हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिकुंदे में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि हमारे इस चैनल पर हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे इसी तरह हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। आइए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कही अनकही बातों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास है। शिवाजी का ज्यादा जीवन अपने माता पिता जीजाबाई के साथ बीता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बताना चाहूंगा शिवाजी महाराज बचपन से ही काफी तेज और चालाक थे। शिवाजी ने बचपन से ही युद्ध कला और राजनीतिक की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा भोसले एक मराठी क्षत्रिय हिंदू राजपूत की एक जाति है। शिवाजी के पिता भी काफी तेज और शिक्षा में उनके माता और पिता का बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहा है। उनके माता और पिता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियां तथा उस युग की घटनाओं को बताती थी। खासकर उनकी माँ उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियां सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता था। शिवाजी महाराज की शादी सन 14 मई 1640 में सईबाई निम्बला कर के साथ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आइए बताना चाहूंगा शिवाजी महाराज का किलों पर अधिकार। जी हाँ दोस्तों, तोरण का दुर्ग पूना पुणे में है। शिवाजी महाराज ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना एक दूत भेजकर खबर भिजवाई कि अगर आपको किला चाहिए तो अच्छी रकम देनी होगी, किले के साथ साथ उनका क्षेत्र भी उनको सौंप दिया जाएगा। शिवाजी महाराज इतने तेज और चालाक थे कि आदिल शाह के दरबारियों को पहले से ही खरीद लिया था। शिवाजी जी के साम्राज्य विस्तार नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली थी तब वह देखते रह गया। उसने शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने के लिए कहा, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और लगान देना भी बंद कर दिया था। वे 1647 ईस्वी तक चाकन से लेकर नेरा तक के भूभाग के भी मालिक बन चुके थे। अब शिवाजी महाराज ने पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की ओर चलना शुरू कर दिया था। शिवाजी ने कोंकण और कोंकण के 9 अन्य दुर्गों पर अपना अधिकार जमा लिया था। शिवाजी महाराज को कई देशों और कई विदेशी राजाओं ने साथ साथ युद्ध करना पड़ा था और सफल भी हुए थे। जी हाँ दोस्तों, इसे एक साथ बताना चाहूंगा शाहजी की बंदी और युद्ध बंद करने की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, बीजापुर के सुल्तान शिवाजी महाराज की हरकतों से पहले ही गुस्से में था। सुल्तान ने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दिया था। शाहजी उनके पिता उस समय कर्नाटक राज्य में थे और दुर्भाग्य से शिवाजी महाराज के पिता को सुल्तान के कुछ गुप्तचरों ने बंद बना लिया था। उनके पिता को एक शर्त पर रिहा किया गया कि शिवाजी महाराज बीजापुर के किले पर आक्रमण नहीं करेंगे। पिताजी की रिहाई के लिए शिवाजी महाराज ने भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 5 सालों तक कोई युद्ध नहीं किया और तब शिवाजी अपनी विशाल सेना को मजबूत करने में लगे रहे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताता चलूं कि शिवाजी महाराज का राज्य और विस्तार। तो दोस्तों, शाहजी की रिहा के समय जो शर्तें लागू थी उन शर्तों में शिवाजी ने पालन तो किया, लेकिन बीजापुर के साउथ के इलाकों में अपनी शक्ति को बढ़ाने में ध्यान लगा दिया। पर इसमें जाबली नामक राज्य बीच में रोड़ा बना हुआ था। उस समय यह राज्य वर्तमान में सतारा महाराष्ट्र के उत्तर और वेस्ट के कृष्णा नदी के पास तक। कुछ समय बाद शिवाजी ने जाबली पर युद्ध किया और जाबली के राजा के बेटों ने शिवाजी के साथ युद्ध किया और शिवाजी ने दोनों बेटों को बंदी बना लिया था और किले की सारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था। और इसी बीच कई मावल शिवाजियों के साथ मिल गए थे। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको बताता चलो शिवाजी महाराज का मुगलों से पहला मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, मुगलों के शासक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद साउथ भारत की तरफ गया। उसे शिवाजी के बारे में पहले से ही मालूम था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया था। शाइस्ता खान अपने
150,000 शहर सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया और उसने 3 साल तक लूटपाट की। एक बार शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया, तब शाइस्ता खान अपनी जान निकालकर भाग खड़ा हुआ और शाइस्ता खान को इस हमले में अपनी चारों उंगलियां खोनी पड़ी। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के पुत्र और उनके 40 सैनिकों का वध कर दिया था। उसके बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा जब सूरत में हुई लूटपाट, जी हाँ दोस्तों इसके बाद काफी लूटपाट चलती रही। जी हाँ दोस्तों, आगरा में आमंत्रित और पलायन, तो आपको बताना चाहूंगा शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने अपने रोष दरबार पर निकाला और औरंगजेब पर छल का आरोप लगाकर औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था और शिवाजी पर 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया। कुछ ही दिनों बाद 1666 को शिवाजी महाराज को जान से मारने का औरंगजेब ने इरादा बनाया था, लेकिन अपने बेजोड़ साहस और युक्ति के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों कैद से भागने में सफल हो गए। शिवाजी महाराज की मृत्यु और बारिश, तो दोस्तों शिवाजी अपने आखिरी दिनों में बीमार पड़ गए थे और 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके पुत्र को राजगद्दी मिली। उस समय मराठों ने शिवाजी को अपना नया राजा मान लिया था। शिवाजी की मौत के बाद औरंगजेब ने पूरे भारत पर राज करने की अभिलाषा को पूरा करने के लिए अपनी 500,000 सेना को लेकर दक्षिण भारत का रुख किया और 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राजा राम की पत्नी ताराबाई ने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी टू की संरक्षण बनकर राज किया। आखिरकार 25 साल मराठा स्वराज के युद्ध थके हुए औरंगजेब की उसी छत्रपति शिवाजी के स्वराज में दफन किए गए। जी हाँ दोस्तों, ये थी छत्रपति शिवाजी की जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको कैसे लगी ये स्टोरी, और दोस्तों अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर करें ताकि उसको हम अपने चैनल पर ला सकें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।